नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं नेशन भारत। आपको बता दें कि आज पीएमसीएच में ऑक्सीजन गैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन पीएमसीएच के अधीक्षक इंद्रशेखर ठाकुर ने किया। आपको बता दें कि यह गैस प्लांट जो है प्रतिदिन 50 सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, जो कोरोना के मरीज हैं उनको उपलब्ध होगा। क्या कुछ कह रहे हैं इंद्रशेखर ठाकुर, आप पहले सुने। ऐसा कि इस प्लांट का, ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इसका नाम है, और इससे 50 सिलेंडर पर डे हम लोग को मिलेगा। तो इस सिलेंडर से हम लोग केवल जो है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो आईजीएससी का है, इंदिरा गांधी कैजुअल्टी जो है हमारा है, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में हम लोग इससे दे पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का जो है जो ऑलरेडी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन 50 भी अगर मिल जाता है तो इसमें हमको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आज उद्घाटन हमने कर दिया है, चालू भी हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के जो हालात हैं उसमें अभी जितनी क्षमता है उसके अनुसार क्या मतलब कमियां? एक्चुअली है कि ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं है, हम क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब के द्वारा भी 24 तारीख को ही मजिस्ट्रेट वगैरह का डिप्रेशन होने का आदेश हुआ था। जो मजिस्ट्रेट भी वहाँ देख रहे हैं कितना मरीज आ रहा है जा रहा है, वो अपना मॉनिटर कर रहे हैं। इधर वाला हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ मैनेजर हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, और हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं। उसके हिसाब से 800 के आसपास जो है सो कंजम्पशन मेरा हो रहा है, 50 कमने से ही हो जाएगा। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो क्रायोजेनिक प्लांट है, वो अभी बगल में उसका जो है सिविल वर्क हमारा शुरू हो चुका है। हम समझते हैं 10-15 दिन में सिविल वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक में, चूँकि लिंडे कंपनी को देना है उसको, है ना, टैंक जो देगा है ना, लिक्विड कंप्रेस लिक्विड वहाँ रहता है, तो वो अगर लग जाता है दो टैंक हमारा, तो पूरे मेडिकल कॉलेज का जो है ऑक्सीजन सप्लाई हमको उससे मिल जाएगा, और हमको किसी तरह का बाहर से एक सिलेंडर भी लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सर खपत कितना मैट्रिक टन है? 800 से 900 सिलेंडर करीब करीब है, 800 के कभी 750 है, कभी 800 है, कभी 850 है, है ना। उत्पादन यहाँ यही नहीं, उत्पादन का पहला प्लांट ही है, हम लोग बाहर से ही आउटसोर्सिंग से मंगाते हैं, और आउटसोर्सिंग मंगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी आउटसोर्सिंग पर है, दोनों आउटसोर्सिंग ही कर रहा है मेरा काम, हम लोग केवल थोड़ा बहुत मॉनिटर करते हैं, वही लोग करता है। हम तो नहीं जानते हैं, ऑडियो हमने नहीं देखा है ना हम जानते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो है हम फुल प्रूफ काम करते हैं। रेमडेसिविर का के बारे में जो आप कहना चाह रहे हैं, हमको कोई कहा है तो हमारे यहाँ जिसका जिसको दिया जाता है उसको जो है से नंबर एक कि हम लोग उसको आधार कार्ड लेते हैं, पैन नंबर लेते हैं, इसके बाद भाइल जो रहता है वो जमा हो जाता है। तीसरी बात है कि हम लोग जो सिस्टर देती हैं उसका भी हमने वीडियो बनाया है हर पेशेंट का। तो यहाँ से हमको लगता है गड़बड़ी है, बाहर में कोई कर रहा होगा, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जानकारी अगर बने तो उनकी नाम आती है तो कार्रवाई की जाएगी? कोई हम नहीं समझते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे यहाँ से कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, कौन आलोक है नहीं जानता। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पहले जो गैस प्लांट थी वो बाहर से आयात होता था, फिर निर्यात होते थे, लेकिन अब उनका दावा है कि अब ऑक्सीजन के लिए जितने भी कोरोना के मरीज हैं इनको अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं पे उपलब्ध होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इसको और डेवलप करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि और ज़्यादा गैस उपलब्ध होगा, इसके लिए अभी प्लांट पे काम चल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं संजीव कुमार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।